गाइस, मैं आपसे छोड़ने में बाहर क्या कर रही हूँ, तो मैं एक्चुअली अपने हेयर को ट्राई कर रही हूँ धूप में। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बालों पे बहुत गलत इफेक्ट डालता है, बट क्या करूँ। आज मुझे थोड़ी ठंड से लग रही है अभी अभी। आजकल ना धूप जो है ना वो कैसा लग रहा है, डीपी जैसा फील हो रहा है ना, दुर्गा पूजा में जैसा फील होता है, हल्का हल्का सा धूप, ऐसा कुछ फील हो रहा है। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, लंबे बालों का ना बस ये एक डिमेरिट होता है, इन्हें सुखाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और अगर मेरे बाल सूखेंगे नहीं तो मुझे होगी सर्दी, साथ में मेरे बेटे को भी। आज है विश्वकर्मा पूजा, तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और एक और चीज़ है आज, पता है क्या है, बाद में बताऊँगी। डेट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। मैंने बहुत तेज़ धूप सेक लिया, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अंदर। हाँ, रूम में आके काफ़ी अच्छा फील होता है ना। ओ, मैं दिख नहीं रही थी। हाँ, बाल ऑलमोस्ट सूख ही गए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मैं आज खुश किया हूँ लोगों को, आपको बताती हूँ। एक मैं मुझे ना स्टैंड रखूँगा, अगर मैं स्टैंड ना रखूँ तो हाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिवर करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुश इसलिए हूँ बिकॉज आज विश्वकर्मा पूजा है। ये एक अच्छी बात है कि आज एक फेस्टिवल और है, और साथ साथ में आज है मेरे पति देव का बर्थडे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं बहुत बहुत उदास भी हूँ। पूछो क्यों, पूछो क्योंकि ना मेरे पति देव अपने कंपनी के काम से अभी इंडिया के टूर पे निकले हैं। ही इज़ ऑन टूर, आज ये स्टेट तो कल वो स्टेट, तो आज अभी वो हमारे साथ नहीं है, बट मैंने और बेटू ने उन्हें बहुत सारा विश कर दिया है, और जब वो आएंगे ना तो मैं और बेटू बहुत बड़ा वाला पार्टी लेंगे, बहुत बड़ा वाला। बेटू भी सो रहा है ऐसे, और शायद इसी खुशी खुशी के चक्कर में मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया, और अभी बज रहे हैं तो अब एक ही बार लंच होगा। और नहीं, एक्चुअली मैं बेटू जो है वो आज फिर से आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, बिकॉज वेदर चेंजेस हो रहा है ना, वेदर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है हो रहा है, कभी कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग रही है, तो जिसकी वजह से वो अभी छोटा है ना, तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, डेट्स व्हाई वो थोड़ा सा ढीला पड़ जा रहा है, उसकी वजह से वो थोड़ा क्रैकी हो रखा था मॉर्निंग से, तो इसीलिए तो मैं अपने पति देव को पहले मेरी तरफ से विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे जान, और आई लव यू सो मच, और बेटी की तरफ से लव यू डैडा। और हम लोग दोनों आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर आज आप यहाँ होते तो हम लोग बहुत सारी मस्ती करते, बट कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही, मस्ती तो करना ही, बहुत सारा पार्टी देना है पार्टी। तो हाँ, एक बात मुझे और बताना था, देखो एक यूट्यूबर है, ठीक है, तो उनकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, तो उनकी सीजेरियन डिलीवरी होने वाली है, ओके, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार मेरा, मैंने जो एक सिजेरियन वाला जो मैंने वीडियो डाला वो आप देखो, आपको थोड़ी हिम्मत तो जरूर मिलेगी।
तो उनके किसी बंदे ने ये कहा कि तुम तो खुद इतनी डरी हुई हो, तुम्हें पेन होता है, ये होता है, दिस होता है, डैट होता है, तुम उनकी हिम्मत नहीं बढ़ा रही हो, तुम उन्हें यू नो डीमोटिवेट कर रही हो। अरे भाई एक बात बताओ, मेरा सीजन ऑपरेशन हुए 2 साल हो गया, मैंने उसमें ये तो नहीं बताया कि जब मेरा सीजन ऑपरेशन हुआ था क्या मैं तब डरी हुई थी। आपकी बॉडी किस तरह से किस चीज़ के लिए रिएक्ट करती है ये कोई नहीं जानता। आफ्टर 2 ईयर्स अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरी दिक्कत है, ये उनके साथ नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और मैंने उसमें ये भी मेंशन किया था कि मुझे और भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बट नहीं। कहते हैं ना इंडिया में ना औरत जो होती है ना, एक फीमेल ही दूसरी फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैं सच बताऊँ मतलब उनमें जेलसी इतनी ज़्यादा होती है ना, बस कुछ सोचना समझना नहीं है, सामने वाले ने क्या कहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस कूद ही मार देना है, बस फटे मट टांग अड़ाना है। मतलब मुझे ऐसे लोगों से इतनी इरिटेशन होती है ना, मतलब अरे समझो तो कि सामने वाला पहले कह क्या रहा है, सुनो तो, अरे अपने माइंड को अप्लाई तो करो, लेकिन नहीं बस हमें बोल देना है। बोलने में क्या जाता है, कौन सा अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। चलो हटा, नेगेटिव लोगों के बारे में हमने बातें नहीं करनी है। मैं क्या सोच रही थी कि अगर इफ देयर इज एनी यूट्यूबर इन रांची हु वांट टू कोलैब विद मी, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टा। समझ में आया, मैंने ये कह रहा है कहा कि अगर रांची में और कोई यूट्यूबर है जो मेरे साथ कोलैब करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे इंस्टा पे वो कॉन्टैक्ट करे, बिकॉज आई थिंक इस रांची सिटी में आई एम द फर्स्ट मैरिड यूट्यूबर एंड आई एम वेरी मच डेयर टू यू नो प्रेजेंट माई लाइफ ऑन कैमरा विथ ऑल ऑफ यू। और आई डोंट थिंक कि रांची में और कोई ऐसे यूट्यूबर हैं अभी तक, एक्चुअली आई एम वेरी मच श्योर अभी तक कोई यू नो मैरिड यूट्यूबर नहीं है मेरे सिटी में। और क्या कुछ नहीं, तो मैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और भी आज बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपको बताने के लिए, तो बताती हूँ धीरे धीरे, बताती हूँ सब कुछ बताती हूँ, होल्ड ऑन। हेयर्स को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है यार, हेयर्स को ऊपर से तो सूख भी जाते हैं, ये जो इनर पोर्शन होता है ना ये काफ़ी भीगा हो रहता है, ये पीछे का पोर्शन। फिर भी मैंने ऊपर ऊपर थोड़ा ट्राई तो किया है अभी सनलाइट में, बट हम ज़्यादा सनलाइट भी नहीं दे सकते हैं, बाल यू नो बहुत रफ हो जाता है। देखो ना मेरे आज यहाँ पे एक पिंपल आया, अब बताओ आईब्रो में कैसे पिंपल आता है, मेरे यहाँ पे पिंपल आ रहा है, बट कोई नहीं है तो एक दिन का खेला है, मैं एक दिन में ठीक करूँगी इसे। मैं क्या सोच रही थी ना कि मैं अपने चैनल पे गिव अवे रखूँ, मतलब देखो मुझे जो लोग देख रहे हैं, मुझे जिन लोगों ने पसंद किया वो उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लव को शो कर लिया, ठीक है कि वो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं इसलिए उन्होंने मुझे यू नो सब्सक्राइब किया। लेकिन मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप लोग मुझसे करते हो, तो ये यू नो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा फ़र्ज है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं यू नो अपने लव को दिखाने के लिए यू नो या उसे शो करने के लिए आप लोग तक अपने लव को एक्चुअली पहुंचाने के लिए मैं भी अपने आप लोगों के लिए कुछ करूँ अपने चैनल पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गिव अवे रखूँ। गिव अवे एक प्रोसेस होता है जिसमें यू नो हर एक यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रखता है, और ये एक छोटा सा कंपटीशन टाइप होता है सब्सक्राइबर्स के बीच में, उन्हें उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो मैं सोच रही कि मैं भी कुछ ऐसा करूं ताकि यू नो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी अच्छा लगे और मैं उन्हें कोई गिफ्ट दूं, देखती हूँ। और उस गिव अवे का यू नो मैं सोच रही हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो मैं लाइव आकर बताऊँगी, लाइव
लाइव आकर बताऊंगी आप लोगों के सामने. यू नो मैं लाइव जो विनर्स होंगे उन्हें मैं सेलेक्ट करूंगी. बड़ा मज़ा आएगा ना यार. चलो देखते हैं कब होता है क्या करते हैं. मैं सोच रही हूँ एक्चुअली कि मैं क्या गिफ्ट रखूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए. अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे मुझे ना इस कमेंट सेक्शन, आपको मालूम है ना कहाँ है कमेंट सेक्शन, बहुत लोगों को नहीं पता होता है. वीडियो के नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, जब आप नीचे जाओगे तो आप देखना कि वहाँ पे पब्लिक कमेंट लिखा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन है. आप वहाँ पे जाके मुझे बता सकते हो कि मैं गिव अवे में क्या रखूँ. और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी पति देव का बर्थडे है. तो बट वो अभी दूसरे स्टेट में है. मेरा बेटू सो रहा है, मैं उसे देख रही हूँ कि वो मेरे बात करने से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है. हाँ, काफ़ी लोगों का ये यू नो ये क्वेश्चन होता है, ये प्रॉब्लम होती है कि यू नो फैन की आवाज़ बहुत आती है या फिर लाइट की प्रॉब्लम है. तो मैं आपको आज क्लियर कर दूँ, फ़ैन की आवाज़ आएगी बेटा बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी है. मैं एसी चला नहीं सकती, मैं कूलर चला नहीं सकती क्योंकि बेटी को तुरंत सर्दी लग जाएगी, ठीक है. और इसलिए फ़ैन मुझे चलाना पड़ता है. फ़ैन फिर भी मैं यू नो बहुत ज़्यादा यू नो स्पीड करके नहीं रखती हूँ, वो नॉर्मल ही रहता है. मतलब 3 या 4 पे मैं रख रही हूँ और 5, 6, 7 पे नहीं जाती हूँ क्योंकि उससे भी यू नो नहीं तो बेटू का इफेक्ट होता है. और जहाँ तक बात लाइटिंग की है तो मैं आपको बता दूँ, आप देख रहे हो कि मेरे रूम में ये ऑरेंज कलर है, ठीक है. तो इसकी वजह से थोड़ा सा यू नो डार्कनेस आ जाता है, जबकि इस रूम में 3-3 बल्ब जल रहे हैं, LED 3-3 जल रही है उसके बाद भी, तो थोड़ा सा डार्कनेस आ जाता है. बट अभी मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं इस रूम का यू नो कलर जो है वो चेंज करवा दूँ. और मोस्टली मेरे जो वीडियोस हैं वो इसी रूम में बनते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे रेनोवेट करवा लूँ. देखती हूँ क्या होता है. अभी पहले पतिदेव तो आ जाए, अभी तो उन्हें मे भी शायद ये पूरा मंथ ही वो बाहर रहेंगे. उसके बाद फिर मैं नया पेंट करवाऊँगी. और वो जो मेरा पेन था वो आज बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती बिकॉज हल्का हल्का सा यू नो वो पेन था. मैं आपको हेयर कट करके दिखाऊँ क्या, मेरे बैंग्स भी बहुत बड़े हो गए ना, बट फैन चल रहा है मैं यहाँ दिखा नहीं सकती. थोड़ा सा दुख कर दूँ, ठीक है ना. सके आप ना मेरे इस क्लिप के पहले आप देखना, मैं ना कल रात को यानी कि संडे की रात को क्या मतलब वही 3 बजे के आसपास मैं ना अपनी सिस्टर का फेशियल कर रही थी. कैन यू बिलीव मैं फेशियल कर रही थी बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी. ऐसे पागलपंती चलते रहती है मेरे घर में. और मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो पढ़ रही थी तो, और मुझे नींद आ नहीं रही थी तो मैंने कहा चलो मैं उसमें फेशियल ही कर दूँ. मैंने सोचा ना खुद का भी करूँगी बट मन नहीं करता यार, खुद पे इतना कौन ध्यान देता है. और मुझे ना थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है. आज मेरे घर में बनती है भिंडी की सब्जी और पराठा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं खा लूँ बिकॉज आई लव भिंडी. मेरे जो फ्रेंड्स हैं और उन सबको पता है कि मुझे भिंडी काफ़ी पसंद है. आई लव भिंडी. भिंडी बोले तो ओकरा बोले तो लेडीज फिंगर, और मैं ना लेडीज फिंगर को यू नो अब पहले जब हम छोटे थे तो हम लोग उसे लेडीज फिंगर कहते थे और अब लेडी फिंगर को अब ओकरा कहा जाने लगा. चेंजेस ना, जनरेशन चेंजेस, इसे कहते हैं गैप ऑफ जनरेशन.
कैसे कैसे मतलब आपको हर डे यू नो कोई ना कोई वर्ड चेंज होता है, पहले बॉम्बे फिर मुंबई, मतलब ऐसे ही आप देखो ना कितने सारे चीज़ें चेंज होती है। क्योंकि मुझे समझ में आता है लोग चेंज क्यों करते हैं, अच्छा खासा तो आप लोग लेडी फिंगर कहते थे, अब इसे उपरा बोलने की क्या नेट थी। होगा भाई सेंसिबल लोगों के पास कुछ। हाँ मैंने बहुत बकवास कर लिया ना, अब चलो मैं ना थोड़ा सा यू नो खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है। जस्ट किडिंग, व्हाट किडिंग, मुझे भूख लग रही है। एक फ्रेंड कह लो, नहीं हम फ्रेंड नहीं कह सकते थी वो, उसने मुझे कमेंट किया था कि इतने वर्स्ट वीडियो मत बनाओ। पता वो सब चीज़ें ना मेरे दिल दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है, पता नहीं क्यों। मैं अगर चाहूँ भी ना भूलना तो मैं नहीं भूल पाती ये सब चीज़ें। ये चीज़ जो है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, मतलब ये अगर कोई चीज़ अगर यहाँ फीड हो जाता है ना तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।